नमस्कार, मैं हरेश्वर कुमार, आज की खबरों के साथ। कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित है। इस वायरस से प्रभावित पहला मामला भारत में 2 महीने पूर्व आया था। सरकार का दावा है कि भारत संक्रमण के तीसरे चरण में नहीं पहुंचा है, लेकिन यह भी सच है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने वाले टेस्ट बेहद कम हुए हैं। ये मैंने बीबीसी न्यूज़ ने लिखा है। वैसे मैं आपको समस्तीपुर सदर अनुमंडल कार्यालय और सदर अस्पताल के आपातकालीन के बाहर लगी भीड़, बिना दूरी के खड़े लोगों की एक तस्वीर दिखाता हूँ। जहाँ पालन होना है वहीं नहीं हो रहा है, तो अन्य जगहों की बात ही छोड़ दीजिए। यह समस्तीपुर सदर अनुमंडल कार्यालय है। इस कार्यालय में लगी भीड़ को आप देखिए। लोग इस महामारी को खेल समझ रहे हैं और अपने जान को जोखिम में डालने पर आतुर हैं। अनुमति प्रमाण पत्र लेने आए ये सभी लोग बिना दूरी बनाए कार्यालय के बाहर खड़े हैं। दूरी बनाकर खड़ा रहने के लिए कहने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं शहर की। समस्तीपुर के एक बड़े दवा दुकान के बाहर खड़ी भीड़ को भी आप सभी देखिए। प्रशासन कहां कहां और किसे किसे समझाएगी कि आप इस संक्रमण बीमारी से बचने के लिए दूरी बनाए रखिए। वैसे दुकान मालिकों को भी ग्राहकों से अपील करनी चाहिए, जो आप प्लीज दूरी बनाकर खड़े रहें। तीसरी तस्वीर हम आपको स्वास्थ्य विभाग के आपातकालीन का दिखा रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए। लोग दूसरे दूसरे स्टेट से आए हैं, उन सभी का जांच होगा, इस कारण लाइन में खड़ा होकर पर्ची कटा रहे हैं। यहाँ भी दूरी का पालन नहीं हो रहा है और ना ही कोई बताने वाला है यहाँ पे। अगर हम भी इस वायरल बीमारी को मजाक के रूप में लेंगे तो हम सभी को बुरा परिणाम भुगतना ही होगा। इस कारण आप भी सजग हों और अन्य को भी सजग करें और डिस्टेंस मतलब दूरी मेंटेन करें। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। कहाँ रहते हो? कुशेश्वर स्थान। कैसे आए वहाँ से? वहाँ से जैसे कोई गाड़ी आ रहा था ट्रक, को यहाँ मुजफ्फरपुर तक आए, वहाँ से हम लोग पैदल आए। ट्रक वाले कितने पैसे लिए? 500-400 रुपये लिए। कितने आदमी थे? हम लोग उसमें 20-25 आदमी थे। तो सब आदमी से 400-400 रुपये लिया? तो अभी यहाँ कैसे आ गए? वहाँ से यहाँ पैदल आए। कहाँ से? मुजफ्फरपुर से यहाँ तक पैदल आए।